गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है सहबाज और आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साइंस आसान है। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज जो भी टॉपिक्स मैं पढ़ाऊंगा वहां से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता था बोर्ड में और जगह बचता नहीं था। इसकी वजह से वीडियोज बहुत ही शॉर्ट हो जाते थे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मैं बोर्ड के थ्रू नहीं दे पाता था। इसलिए आज से मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा उसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने जो दो पहले पार्ट बना चुका हूँ उसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूँ। अगर आप में से कोई चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें ताकि मेरा भी कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाए, और शेयर भी करें अपने दोस्तों में ताकि इस वीडियो का लाभ उन्हें भी हो। पहले चैप्टर पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कोशिका की खोज कब हुई, कोशिका की खोज किसने की और कोशिका की खोज कैसे हुई। उसी में हम लोगों ने ये भी जान लिया था कि सबसे बड़ी कोशिका क्या है, सबसे छोटी कोशिका क्या है और सबसे लंबी कोशिका क्या है। उसमें जब हम लोग आगे बढ़े तो पार्ट टू आया। पार्ट टू में हम लोगों ने पढ़ा कि कोशिका सिद्धांत क्या होता है। दो वैज्ञानिक थे, एक स्लाइडेन और दूसरे स्वान। दोनों ने मिलकर एक सिद्धांत पेश किया कि जितने भी जंतु हैं और जितने भी पादप हैं सभी का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो अब हम जानते हैं कि हमारा शरीर, मानव का हो या जंतु का हो, सबका शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। अब हम जानेंगे कि कोशिका का शरीर कैसे बना है। 19वीं सदी के बाद इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज होती है, जिसके बाद छोटे छोटे चीजों को देखना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। जो चीजें माइक्रोमीटर में होती है, यानी कि हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल करना पड़ता है, और उन चीजों को देखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल करना पड़ता है, उसकी खोज 19वीं शताब्दी में हो गई। उसके बाद से पता चला कि जो कोशिका है उसकी संरचना बहुत जटिल है, बहुत कठिन है। कोशिकाओं के अंदर बहुत सारे अंग है, छोटे छोटे अंग है। तो आज हम कोशिका के अंदर जो भी अंग है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम पूरी तरह से कोशिका के बारे में रखते हैं। कोशिका के अंदर कितने पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स को क्या कहते हैं, उनका क्या क्या काम है, उसके बारे में जानेंगे। देखिए, ये कोशिका होती है, ये एक कोशिका है। इसका जो सबसे बाहरी आवरण होता है, जो सबसे बाहरी परत होता है, हमारे घर में जो सबसे बाहरी आवरण होता है वो क्या होता है? अब हम अपने घर में एक दीवार लगाते हैं अपने घर की सुरक्षा के लिए, ताकि चोर, गाय, जानवर कोई हमारे घर में ना घुस पाए। इसलिए हम घर में दीवार लगाते हैं, घर के बाहर दीवार लगाते हैं। उसी तरह से कोशिका के सबसे बाहर में कोशिका झिल्ली होती है, एक परत होती है जो कोशिका के अंदर जितने भी भाग होते हैं सबको सुरक्षा प्रदान करती है, उसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली का और एक नाम है प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका झिल्ली का दूसरा नाम है प्लाज्मा झिल्ली। चलिए पहले हम कोशिका के पार्ट्स को जान लेते हैं, उसके बाद से हर एक पार्ट्स को अलग अलग से पढ़ेंगे। तो कोशिका का जो सबसे बाहरी आवरण होता है, जो सबसे बाहरी परत होता है, उसे हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका का जो बीच वाला भाग होता है उसे कहते हैं केंद्रक। केंद्रक हमेशा बीच वाला भाग को ही कहा जाता है, लेकिन ये जो केंद्रक है ये जंतु में तो बीच में होता है, लेकिन पौधों में बीच से थोड़ा हट के होता है। ये जो कोशिका झिल्ली है एक परत है जो जंतुओं में, यानी कि मानव में, कोई जानवर में कोशिका झिल्ली एक होती है, लेकिन जो पादप होते हैं उनमें कोशिका झिल्ली के बाहर और एक परत होती है जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका झिल्ली के बाहर और एक परत होती है जिसे हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं, वो पौधों में होती है। जंतु कोशिका में सिर्फ एक ही झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली, लेकिन पादप कोशिका में दो परत होती है, एक होती है कोशिका झिल्ली और दूसरा होता है कोशिका भित्ति। तो हम लोग जान लिए दो पार्ट्स के बारे में, कोशिका झिल्ली और केंद्रक। और ये जो बीच वाला भाग होता है कोशिका का, ये जो पूरा भाग दिखाई दे रहा है आपको, व्हाइट व्हाइट अंदर वाला भाग, इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। ये हमने अभी सिर्फ नाम जाना है, इसका काम नहीं जाना है। अब चलिए बारी बारी से जानते हैं कि कोशिका झिल्ली का क्या कार्य है, केंद्रक का क्या कार्य है,
और कोशिका द्रव्य का क्या कार्य है? कोशिका द्रव्य आखिरकार हम कहेंगे किसको, केंद्रक हम किसे कहेंगे? तो चलिए जानते हैं। जो कोशिका झिल्ली होती है ये एक सुरक्षा कवच होती है। कोशिका के बाहर एक सुरक्षा कवच होती है जिसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे बीच बीच में छोटे छोटे छिद्र हैं। इनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ये छिद्र इस वजह से होते हैं ताकि अगर कोई ऐसा पदार्थ जो कोशिका को फायदा पहुंचा सकता है उसको अंदर ले लिया जाए, और कुछ ऐसा पदार्थ है जो कोशिका को नुकसान पहुंचा रहा है उसको बाहर निकाल दिया जाए। ये बॉडीगार्ड का काम करते हैं। आप कभी मॉल वगैरह जाते होंगे, एटीएम वगैरह जाते होंगे, तो एटीएम के बाहर एक गार्ड साहब मिलते हैं। या आप मॉल जाते होंगे, बड़ा बड़ा बिग बाजार या फिर और भी कोई मॉल जाते होंगे, तो वहां पे आपको एक गार्ड मिलेगा जो एक मशीन लेके आपको चेक करता है कि कहीं अंदर आप कुछ पैकेट में लेके तो नहीं जा रहे हैं, कोई ऐसा हथियार जिससे आप लूट मचा सके, अंदर में डकैती कर सके या अंदर में कोई तोड़ फोड़ कर सके। तो उसी तरह से कोशिका के बाहर जो कोशिका झिल्ली होती है उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो ये तय करते हैं कि कौन सा पदार्थ कोशिका के अंदर जाएगा और कौन सा पदार्थ कोशिका के बाहर आएगा। अगर कोई ऐसा पदार्थ है जो कोशिका को हानि पहुंचा सकता है तो उसको वो अंदर जाने नहीं देता है। इसीलिए कोशिका झिल्ली को हम कहते हैं चयनात्मक पारगम्य। क्या कहते हैं? चयनात्मक पारगम्य। और ये जो कोशिका झिल्ली है ये प्रोटीन का बना होता है। कोशिका झिल्ली प्रोटीन का बना होता है। हमने जान लिया ये जंतु के बारे में। हमने पढ़ा कि जो कोशिका झिल्ली होती है वो सिर्फ एक होती है। कोशिका जो जंतु में कोशिका होती है उसके बाहर सिर्फ एक ही परत होता है, एक ही सुरक्षा कवच होता है। लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें दो सुरक्षा कवच होता है, एक कोशिका झिल्ली और दूसरा कोशिका भित्ति। दूसरा कोशिका भित्ति, एक कोशिका झिल्ली और दूसरा कोशिका भित्ति। और जो ये पौधा यानी कि पादप में जो कोशिका भित्ति होता है वो सेलुलोज का बना होता है। हमने जंतुओं में पढ़ा जो कोशिका झिल्ली है वो प्रोटीन का बना होता है, और जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें जो कोशिका भित्ति होती है, एक्स्ट्रा परत होती है, एक्स्ट्रा सुरक्षा कवच होती है, उसे हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं, और वो सेलुलोज का बना होता है। आगे हम पढ़ेंगे कि कोशिका झिल्ली के कार्य क्या हैं। हमने जान लिया जो कोशिका का सबसे बाहरी भाग है उसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे जो हानिकारक पदार्थ है वो अंदर नहीं आ सकता है। अगर कोई हानिकारक पदार्थ अंदर में है तो उसको वो बाहर निकाल कर फेंक देता है। अगर कोई ऐसा पदार्थ है जो हानिकारक पदार्थ जो अंदर घुसना चाहता है उसको अंदर नहीं घुसने देता, क्योंकि इसमें यहाँ पे बॉडीगार्ड लगे हुए हैं। छोटे छोटे छिद्र यहाँ पे बॉडीगार्ड का काम करते हैं। वो सेलेक्ट कर लेते हैं कि कौन अंदर घुसता है, कौन अंदर घुस रहा है। अगर वो हानिकारक चीज है तो उसको अंदर नहीं घुसने दिया जाए। ये कौन करते हैं? ये जो बॉडीगार्ड इसमें है वो तय करते हैं कि कौन अंदर जाएगा कौन नहीं जाएगा। और यही कोशिका झिल्ली के बाहर एक एक्स्ट्रा परत होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। ये हम लोगों ने जान लिया। अब हम जानेंगे कोशिका झिल्ली का कार्य क्या है। तो कोशिका झिल्ली कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है, ये एक हो गई कार्य। दूसरा, ये जो कोशिका झिल्ली है ये किसी भी कोशिका का आकृति तैयार करता है। अगर ये कोशिका झिल्ली गोल है यानी कि कोशिका का जो आकृति है वो गोल होगा। अगर ये कोशिका झिल्ली त्रिभुजाकार होगी यानी कोशिका त्रिभुजाकार होगा, तो ये कोशिका झिल्ली कोशिका की आकृति को तय करता है। और तीसरा उपयोग कोशिका झिल्ली का है, ये एक कोशिका को दूसरे कोशिका से लड़ने नहीं देता। मान के चलिए ये एक कोशिका है, दूसरा कोशिका और एक आ गया यहाँ पे। अगर ये झिल्ली नहीं होगा, ये झिल्ली नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा और इसमें भी नहीं होगा, तो इसके जो भी अंदर के पार्ट्स हैं वो आपस में टकरा जाएंगे। और इसके अंदर अभी बहुत सारे पार्ट्स, खतरनाक खतरनाक पार्ट्स होते हैं। इसमें एक होता है लाइसोसोम जो कि एक जहर होता है, एक जल अपचायक एंजाइम होता है। वो अगर टकरा गए ना आपस में तो पूरी तरह से कोशिका, दोनों कोशिका बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए इसके बाहर जो एक परत होती है वो दोनों दो कोशिका को एक दूसरे से अलग करती है। ये हमने जान लिया कोशिका झिल्ली के बारे में। अब हम जानेंगे कोशिका द्रव्य के बारे में कि आखिरकार कोशिका द्रव्य क्या होते हैं। तो दोस्तों, तो आगे हम जानेंगे कोशिका द्रव्य क्या होता है। तो ये कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच का जो बीच वाला भाग है इसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। और ये पूरे भाग में एक द्रव्य होता है,
द्रव्य क्या होता है? आप 9th क्लास में पढ़ेंगे, हमारे आसपास जितने भी पदार्थ हैं वो तीन अवस्थाओं में पाए जाते हैं। कितने? तीन। पहला होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव्य और तीसरा होता है गैस। ठोस यानी कि ये जो पेन आप देख रहे हैं, ये जो मार्कर देख रहे हैं, ये कठोर है। तो जितने भी कठोर चीजें हैं वो ठोस कहलाती हैं, जो बह सकती हैं वो द्रव्य कहलाती हैं। तो यहाँ पे जो भी बीच में कोशिका द्रव्य में जो होता है वो द्रव्य होता है, वो एक जेली जैसा पदार्थ होता है। और इसी कोशिका द्रव्य में कोशिका के बहुत सारे अंग होते हैं जो कोशिकांग कहलाते हैं। कोशिका के अंग को ही क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। इसी में आपका हो गया लाइसोसोम, इसी में होता है माइटोकांड्रिया, इसी में होता है गोल्जी का, इसी में होता है रिक्तिका, इसी में होता है अंतःद्रव्यी जालिका। ये सब चीजों के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो हम जान लेते हैं कि इसके अंदर में जो भाग है वो क्या क्या है। तो पहला हम जानेंगे माइटोकांड्रिया। मैं पहला अक्षर माँ से शुरू करता हूँ, पूरा लिखना संभव नहीं है, नोट्स आपको मिल जाएगा, उसमें सारे कुछ पूरे डिटेल्स में होंगे। तो पहला क्या है? माइटोकांड्रिया। ये जो माइटोकांड्रिया होता है, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाता है हमारे नाक के जरिए अंदर, और वो जो ऑक्सीजन होता है वो हीमोग्लोबिन से मिलकर हमारे फेफड़ों तक पहुंचता है, और वहां पे एक रासायनिक अभिक्रिया होता है, और अभिक्रिया के दौरान एटीपी बनता है। क्या बनता है? एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये जो एटीपी है, ये एक एक एटीपी यानी कि अगर 38 एटीपी मिल जाए तो ये ऊर्जा का निर्माण करता है। किस चीज का निर्माण करता है? ऊर्जा का। और इसी माइटोकांड्रिया को हम लोग कहते हैं ऊर्जा का पावर फैक्ट्री, यानी कि ये ऊर्जा प्रदान करता है कोशिका को। कौन? माइटोकांड्रिया। दूसरा हम पढ़ने जा रहे हैं गाल्जी का है। दूसरा क्या पढ़ने जा रहे हैं? गाल्जी का है। ये गाल्जी का क्या होता है? हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं। कभी हम फुटबॉल खेलते हैं, कभी हम क्रिकेट खेलते हैं, कभी हम दौड़ते हैं, कभी हम वीडियोस देखते हैं, कभी हम बहुत ज्यादा बोलते हैं। तो हमारे शरीर को अलग अलग तरीके से ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। कभी हमारे मुंह को ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, कभी अगर हम दौड़ रहे हैं तो पैर को ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, अगर हम देख रहे हैं तो आंखों को ऊर्जा की ज्यादा जरूरत होती है, हम बोल रहे हैं तो हमारे जुबान को सबसे ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है। तो ये जो गोल्जी का एक होता है, ये यहाँ पे जो भी माइटोकांड्रिया में ऊर्जा होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। यानी कि जिस हमारे शरीर के जिस अंग को सबसे ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है उसको ले जाके ये गोल्जी का पहुंचा देता है। ये परिवहन का कार्य करता है, ट्रेवलिंग का कार्य करता है, एक जगह से ऊर्जा को पकड़ के दूसरे जगह तक पहुंचाता है। ये जज कर लेता है कि किसी भी इंसान या पादप के शरीर में किसको ज्यादा ऊर्जा की जरूरत है। जो ज्यादा काम करता है उसी को ये गोल्जी का जाके ऊर्जा पहले देता है। तीसरा हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें हमने माइटोकांड्रिया पढ़ लिया, गोल्जी का पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे रिक्तिका। अब हम क्या पढ़ेंगे? रिक्तिका। रिक्तिका को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या कहते हैं? वैक्यूल्स। ये जो रिक्तिका है इसमें पानी भरा होता है यानी जल भरा होता है। कहा जाता है जो मानव होते हैं उनके शरीर के अंदर 65% यानी कि 65% जल होता है। तो क्या अगर कोई 100 किलो का आदमी है तो उसके अंदर 65 किलो पानी होगा। आखिरकार ये पानी होता कहाँ है? जी हाँ दोस्तों, ये जो पानी होता है वो कोशिका के अंदर होता है, और कोशिका के कहाँ पे? रिक्तिका में। अगर कोई आदमी 100 किलो का है, हमारा शरीर ज्यादातर पानी से बना हुआ है, जल से बना हुआ है, लेकिन ये जल कोशिका के अंदर रिक्तिका में होता है। रिक्तिका रिक्तिका में होता है। चलिए दोस्तों आगे हम जानेंगे। हमने माइटोकांड्रिया जान लिया, गोल्जी का जान लिया, रिक्तिका जान लिया। आगे हम पढ़ेंगे अंतःप्रद्रव्यी जालिका। क्या पढ़ेंगे? अंतःप्रद्रव्यी जालिका। ये दो तरह का होता है, अंतःप्रद्रव्यी जालिका दो तरह का होता है। इसमें एक होता है रफ साइड, एक होता है रफ साइड और दूसरा होता है मुलायम। रफ यानी कि खुरदरा, रफ यानी कि खुरदरा साइड, और दूसरा होता है मुलायम। क्या होता है? मुलायम। जो पहला भाग, इसे हम कहते हैं अंतःप्रद्रव्यी जालिका। क्या कहते हैं?
अंतःप्रद्रवी जालिका। इसके दो भाग होते हैं, एक भाग होता है खुरदर यानी कि खसखस, दूसरा भाग होता है मुलायम यानी कि एकदम प्लेन। ये जो खुरदरा भाग होता है ये क्या करता है, इसको हम लोग बोलते हैं राइबोसोम। इसको क्या बोलते हैं, राइबोसोम। और यही राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, यही राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। ये जो अंतःप्रद्रवी जालिका है इसके दो भाग होते हैं, एक खुरदरा होता है एक मुलायम होता है। वो जो खुरदरा भाग होता है उसे हम लोग कहते हैं राइबोसोम, और मुलायम भाग होता है ये तो बनाता है आपका प्रोटीन। ये जो खुरदरा साइड है ये बनाता है प्रोटीन, और ये जो मुलायम साइड है ये बनाता है वसा। और ये दोनों मिलके कोशिका में एक कंकाल का काम करते हैं। जिस तरह का हमारा शरीर है, हमारे शरीर में कंकाल है, हड्डी है, तो ही जाके हमारा शरीर मजबूत है। अगर कंकाल हमारे शरीर में हड्डी नहीं होता तो हमको कोई भी दबाता तो हम पचक जाते। जैसे हमारा लिप्स है, लिप्स में हड्डी नहीं होता है, नाक में बहुत मुलायम हड्डी होता है, कान में हड्डी नहीं होता है, यहाँ पे तो ये हम आसानी से दबा सकते हैं, हमारा शरीर कमजोर हो जाता है। ये जो नाक है, ये जो लिप्स है, ये कमजोर होता है, क्यों, क्योंकि इनमें हड्डी नहीं है। तो जो कोशिका होता है उसमें अंतःप्रद्रवी जालिका होता है जो कोशिका को कठोरता प्रदान करता है, एक कंकाल का काम करता है। ये हमने जान लिया। अब ये अंतःप्रद्रवी जालिका में दो भाग होते हैं, एक होता है खुरदरा भाग, दूसरा होता है मुलायम भाग। हम लोग खुरदरे भाग को बोलते हैं राइबोसोम, और इसमें प्रोटीन का निर्माण होता है। किस चीज का निर्माण होता है, प्रोटीन का। और ये जो मुलायम भाग होता है इसमें वसा का निर्माण होता है, इसमें वसा का निर्माण होता है। आगे हम पढ़ेंगे दोस्तों। हमने जान लिया माइटोकांड्रिया, जान लिया गोल्जी का, जान लिया रिक्ति का, और हमने ये भी जाना अंतःप्रद्रवी जालिका। और चौथा हम लोग जाने आगे हम लोग जानने जा रहे हैं, हमने अंतःप्रद्रवी जालिका भी जान लिया, अब पांचवा हम जानेंगे। पांचवा हम अगला पढ़ने वाले हैं, अगला हम जानने वाले हैं 1 2 3 4 5, पांचवा नंबर हम जानने वाले हैं सेंट्रोसोम, यानी कि सेंट्रोसोम को हम बोलते हैं तारक काय। अगला हम जानने वाले हैं तारक काय यानी कि सेंट्रोसोम। ये तारक काय क्या होता है, हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं हैं, दिन भर हम खेलते कूदते हैं, चोट लगती है तो कोशिकाएं मर जाती है। तो जब एक कोशिका मरती है तो उसी को उसके बगल में जो कोशिका होती है वो टूट जाता है, उसके बगल में जो कोशिका होता है वो अपने आप को विभाज्य कर लेता है, अपने आप को तोड़ लेता है, और जहां पे कोशिका मर जाता है उस कोशिका के कमी को वो पूरा कर देता है। तो ये काम कौन करता है, तारक काय। ये काम कौन करता है, तारक काय यानी कि सेंट्रोसोम। ये कोशिका को विभाजन का कार्य करता है, कोशिका का विभाजन का कार्य करता है। हमारे शरीर में, हमारे दिमाग से लेकर हमारे पूरे शरीर में एक कोशिका फैली हुई है जिन्हें हम तंत्रिका कोशिका कहते हैं, और तंत्रिका कोशिका में 90% कोशिका विभाजन नहीं होता है, इसलिए बोला जाता है कि जल्दी से दिमाग में कैंसर नहीं होता है। लेकिन कैंसर होता है, दिमाग में भी कैंसर होता है, क्योंकि 10% जो है वो दूसरे टाइप की कोशिका होती है जिसके वजह से हमारे दिमाग में कैंसर हो जाता है। अगर तंत्रिका कोशिका पूरा 100% होता हमारे दिमाग में तो हमारे दिमाग में कभी भी कैंसर नहीं होता। क्यों, क्योंकि तंत्रिका कोशिका कोशिका का विभाजन नहीं करता है। आपने देखा होगा अगर किसी को चोट सर में लग जाती है और गहरा चोट लग जाता है तो वो जल्दी मर जाता है, किसी का हाथ कट जाए तो वो बच जाता है, लेकिन अगर किसी के सर में ज्यादा चोट लग जाए, गहरा चोट लग जाए, तो फिर उसका बचना मुश्किल हो जाता है। क्यों, क्योंकि हमारे हाथ में जो कोशिका है वो मरने से तुरंत उसका विभाजन हो जाता है, लेकिन जो हमारे सर में कोशिका है, तंत्रिका कोशिका, उसका जल्दी से विभाजन नहीं हो पाता है। तो हमने पढ़ लिया तारक का, ये क्या करता है, कोशिका का विभाजन करता है। हमारे शरीर में कहीं भी चोट लग जाता है तो वहां की कोशिकाएं मर जाती है। घर में कभी पिटाई पड़ता है तो पूरा हाथ पैर लाल हो जाता है, तो वो लाल क्यों होता है, क्योंकि हमारे शरीर की कोशिकाएं मर जाती है। तो फिर हम उसको गर्म पानी से लेके सेकते हैं, तो जैसे ही हम गर्म पानी से सेकते हैं उसके अगल बगल की कोशिकाएं देखती हैं क्या हो गया, चलो हम अपने आप को तोड़ लेते हैं, और वो एक कोशिका टूट के दो भाग में हो जाती है, और जहां पे कोशिका की कमी होती है वो कमी पूरा हो जाता है। अगला हम पढ़ने वाले हैं लाइसोसोम, अगला हम पढ़ने वाले हैं लाइसोसोम। ये लाइसोसोम क्या होता है, इस कोशिका का सबसे इंपॉर्टेंट चीज लाइसोसोम, ये एक जल अपचायक एंजाइम होता है। लाइसोसोम क्या होता है, जल पाचक एंजाइम होता है। यह बहुत ही खतरनाक होता है, जिस तरह से एसिड होता है, एसिड अगर हमारे शरीर में पड़ जाए
तो हमारा शरीर जल जाता है, उसी तरह से इसमें जल अपचायक एंजाइम होता है। ये क्या करता है, अगर कोशिका के अंदर में जो भी भाग हैं, माइटोकांड्रिया, गॉल्जी का है, रिक्तिका, अंतःप्रद्विजालिका, तारक का, ये ठीक से काम नहीं करता है, तो ये जो केंद्रक है उससे पूछता है, क्योंकि केंद्रक पूरे कोशिका का दिमाग होता है, केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। तो पूछता है केंद्रक से, ओ भाई सब ठीक, तो सब ठीक से काम कर रहा है ना। अगर ये केंद्रक बोल दे नहीं 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 ये सब ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो बोलता है अच्छा ठीक है, अपने अंदर जो एंजाइम है, इसके अंदर जो जहर है, एसिड है, उसको छिड़क देगा, और जैसे ही इसको छिड़क देगा ये माइटोकांड्रिया मर जाएगा। ये जहरीला बहुत ही विष होता है। उसी तरह से अगर ये सारा जितने भी इस कोशिका के अंदर पार्ट्स हैं वो काम करना बंद कर दे, तो पहले तो ये समझाएगा सबको ठीक से काम करो, अगर ये ठीक से काम नहीं किया तो ये क्या करता है, बोलता है अच्छा हमसे होशियारी, ठीक से काम नहीं करता है, तो ये अपने आप को फाड़ लेता है, और जैसे ही अपने आप को फाड़ लेता है पूरे इसके शरीर में लाइसोसोम बिखर जाता है, और जो जहर होता है पूरा कोशिका मर जाता है। तो जैसे ही पूरा कोशिका मर जाएगा, उसके बाद से उसके अगल बगल की जो कोशिका है वो नहीं मरेंगी, क्योंकि ये कोशिका मरा, अब वो उस बगल की जो कोशिका है उनमें जो लाइसोसोम है उसको छिड़क के फिर उसको निकाल देगी, और हमारे शरीर के द्वारा वो पाचन तंत्र के द्वारा वो निकल जाएगा। तो ये जो लाइसोसोम होता है ये एक जल अपचायक एंजाइम है जो बहुत ही खतरनाक होता है, ये कोशिका में जरूरी भी होता है, बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मान के चलिए माइटोकांड्रिया मर गया तो यहाँ पे पूरा सड़ के सबको दूषित कर देगा, तो उससे अच्छा है कि एंजाइम इसको छिड़क दे निकल जाए अपना। और ये जाता है, सॉरी, लाइसोसोम को कहा जाता है, कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है, क्योंकि अगर ये लाइसोसोम खुद को फाड़ ले तो पूरे कोशिका को वो नष्ट कर सकता है, इसलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ये जो माइटोकांड्रिया होता है इसको ऊर्जा फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि ये ऊर्जा बनाने का काम करता है, और ये जो राइबोसोम है वो प्रोटीन का निर्माण करता है। इतना हमने जान लिया, हमने कोशिका द्रव्य के बारे में जान लिया, अब इसमें जो कोशिका द्रव्य है उसमें अब हम लोग पढ़ेंगे केंद्रक। कोशिका द्रव्य हमने जान लिया, ये कितना परसेंट होता है, ये सारा चीज मिला के ये कोशिका के अंदर जो द्रव्य होता है वो 80% होता है, और ये कोशिका को कठोरता प्रदान करता है। अगर इसके अंदर द्रव्य नहीं होता, अगर ये कोशिका के अंदर द्रव्य नहीं होता, तो ये लाइसोसोम, माइटोकांड्रिया, गॉल्जी का, रिक्तिका, अंतःद्रव्यपाश जालिका और ये जो तारक का है सब आपस में टकरा जाते हैं, और जैसे ही लाइसोसोम से टकराता सब में ये विष भर देता, अपना जहर भर देता, पूरा कोशिका क्या होता, नष्ट हो जाता। इसलिए इसके अंदर द्रव्य होता है, जिस तरह आप कोई कांच का सामान कहीं भेजते होंगे तो उसमें बीच बीच में कूट भर देते हैं, फॉर्म वगैरह भर देते हैं, ताकि वो आपस में टकराए नहीं, उसी तरह से ये सारे चीजों को सेपरेट रखने के लिए, अलग अलग जगह में रखने के लिए इसके अंदर द्रव्य रहता है, जो इन दोनों को, इन सारे चीजों को आपस में सटने नहीं देते हैं, उसी को हम लोग कोशिका द्रव्य कहते हैं। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं केंद्रक के बारे में। अभी तक हमने कोशिका के दो भाग के बारे में जान लिया है, एक कोशिका झिल्ली और दूसरा कोशिका द्रव्य, और कोशिका द्रव्य में जितने भी भाग होते हैं उनके बारे में भी हमने पढ़ लिया है। अब हम जानेंगे केंद्रक के बारे में। तो यहाँ पे केंद्रक बहुत छोटा सा दिखाई दे रहा है, तो एक काम करते हैं इस केंद्रक को यहाँ से निकाल लेते हैं। तो चलिए इस केंद्रक को हम यहाँ से निकाल के यहाँ पे रख देते हैं। अब इस केंद्रक को यहाँ रखने पर आप देखिए कुछ गोल टाइप का दिखाई दे रहा है, कुछ गोल टाइप का दिखाई दे रहा है, और इसमें बहुत ज्यादा संरचना बनी हुई है, इसमें बनावट, इसके अंदर बहुत सारे अंग आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसमें क्या क्या अंग है, ये जो संरचना दिखाई दे रही है सघन यानी कि घना संरचना आपको दिखाई दे रही है, इसे केंद्रिका कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रिका। और आपको यहाँ पे ये जो केंद्रक है इसके इसमें बाहरी जो परत है ये दिखाई दे रहा होगा, इसमें डबल झिल्ली लगा हुआ है, इसे क्या कहते हैं, केंद्रक झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रक झिल्ली। कोशिका में जो झिल्ली होती है उसे कोशिका झिल्ली कहते हैं, और केंद्रक में जो झिल्ली होती है उसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। अब इसमें आपको ये और एक संरचना दिखाई दे रहा होगा, और एक अंग, ये सारे अंग को हम बोलते हैं गुणसूत्र। क्या बोलते हैं, गुणसूत्र। और इस जो केंद्रक झिल्ली है इसमें बहुत ही छोटे छोटे बीच बीच में छोटे छोटी जगह होती है, रिक्त स्थान होती है, खाली जगह होती है, जिस छेद होती है, जिसे हम रंध्र कहते हैं। तो ये केंद्रक में रंध्र है इसलिए इसे केंद्रक रंध्र कहा जाता है। अब ये गुणसूत्र क्या होता है,
इसके बारे में जानेंगे। रंध्र का मतलब तो हमें पता है, छेद होता है, छिद्र होता है। और केंद्र झिल्ली का मतलब भी हमने जान लिया, एक सुरक्षा कवच, यानी कि इस केंद्रक में जो झिल्ली है वो केंद्रक को सुरक्षा प्रदान करता होगा। इसमें केंद्रिका, केंद्रक, केंद्रक का भी एक मुख्य भाग होता है जिसे हम लोग केंद्रिका कहते हैं। ये गुणसूत्र क्या है? गुणसूत्र चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, सब में 46 गुणसूत्र होता है। आप अगर इसको निकालेंगे यहाँ से, जितने भी संरचना आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, मैंने तो कम बनाया है, टोटल कितना होता है? 46 होता है। इसको अगर जोड़ा में लगा जाए तो 23 जोड़ा होता है। वो स्त्री में भी 23 जोड़ा होता है, जो स्त्री की कोशिकाएं होती हैं उसमें भी 23 जोड़ा होता है, और पुरुष के भी कोशिकाओं में 23 जोड़ा होता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है, जो पुरुष होते हैं उसमें 46 होते हैं, 44 प्लस 2, सारे जोड़ा कैसे होते हैं? एक्स और वाई, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई करके 23 जोड़े। लेकिन जो स्त्री है उसमें 46 जोड़ा, 44 प्लस 2 तो होता है, लेकिन सब में एक्स 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 गुणसूत्र होता है। और इस गुणसूत्र के वजह से ही हमारा जो शरीर है उसमें ज्यादातर अंग जोड़ा में दिखाई देता है। जैसे कि आंख दो है, कान दो है, हाथ दो है, पैर दो है, तो ये ज्यादातर चीजें किस में है? जोड़ा में है। किसके वजह से? गुणसूत्र की वजह से। और हम जानते हैं पुरुष और स्त्री के मिलने से ही एक नए शिशु का जन्म होता है, जो कि ये गुणसूत्र ही डिसाइड करते हैं कि वो पुरुष होगा या स्त्री होगा। अगर एक्स एक्स मिला तो वो स्त्री होता है, और अगर एक्स वाई मिला तो पुरुष का जन्म होता है। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। इसमें कोशिका जीव द्रव्य के बारे में अभी तक हम लोग पढ़ लिए थे, कोशिका के अंग के बारे में, केंद्रक के बारे में भी हम लोग जान लिए। केंद्रक क्या होता है? केंद्रक कोशिका के बीच का भाग होता है, लेकिन उसको भी निकाल के देखने पर, सूक्ष्मदर्शी से देखने पर उसके अंदर भी बहुत सारे अंग है। क्या क्या है? केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका, गुणसूत्र और केंद्रक रंध्र, सबका काम हमने जान लिया। अब हम जानेंगे जीव द्रव्य क्या होता है। तो ये जो केंद्रक है मैंने यहाँ पे निकाल के दिखाया आपको, इसमें बहुत सारे द्रव्य होते हैं। तो ये जो केंद्रक द्रव्य है, केंद्रक में जो द्रव्य मौजूद है, और ये जो कोशिका में जो द्रव्य मौजूद है, और इस केंद्रक में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो जब भी केंद्रक के अंदर किसी पदार्थ की जरूरत होती है जो कोशिका द्रव्य में मौजूद होता है, तो इस छिद्र के जरिए अंदर आ जाता है, ये कोशिका द्रव्य दे देता है केंद्रक को। और जब कोशिका द्रव्य को किसी चीज की जरूरत होती है जो केंद्रक के पास है, तो ये केंद्रक इसी छिद्र से उसको दे देता है। ये दोनों को आपस में मिला दिया जाए, जो कोशिका में द्रव्य है और जो केंद्रक में द्रव्य है, अगर दोनों को मिला दिया जाए तो उसी को हम कहते हैं जीव द्रव्य। क्या कहते हैं? जीव द्रव्य। और इसी जीव द्रव्य को किसी भी कोशिका का भौतिक आधार कहा जाता है। ये दोनों मिला के टोटल 80% होता है किसी भी कोशिका में। और ये अगर द्रव्य का 1% कमी होता है तो हमें प्यास लगती है। इस जीव द्रव्य का अगर 1% का कमी आता है हमारे शरीर के कोशिका में तो हमें प्यास लगती है। और अगर 10% की कमी हो जाए तो इंसान स्वर्ग या जन्नत में पहुंच सकता है, यानी वो उसकी डेथ हो सकती है। 1% की कमी आए तो प्यास लगता है, और 10% की कमी आ जाए तो इंसान ऊपर पहुंच सकता है। तो इतना हमने जान लिया। तो जीव द्रव्य क्या होता है? कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को आपस में मिला दिया जाए तो उसी को हम जीव द्रव्य कहते हैं। और ये जीव द्रव्य का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है कोशिका के जिंदगी को बनाए रखने में। अगर ये द्रव्य नहीं होता तो आप जरा सोचिए, ये द्रव्य नहीं होता तो कोशिका के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं और केंद्रक के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं, यानी जितने भी अंग हैं, सब आपस में टकरा जाते हैं। क्योंकि ये जो द्रव्य होता है वो जेली जैसा होता है। कैसा होता है? आप लोग जेली खाए होंगे। जेली मुलायम तो होता है, द्रव्य तो होता है, लेकिन थोड़ा पानी की तरह नहीं होता, थोड़ा गाढ़ा होता है, जो इन सारे अंगों को आपस में सटने नहीं देता है। और जब सटने नहीं देता तो इसको बचा के रखता है सारे अंगों को, इसलिए इसे जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। कोशिका का जीवन का भौतिक आधार किसको कहा जाता है? जीव द्रव्य को। आगे हम पढ़ने वाले हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका में तुलना। क्या क्या चीजें हैं जो जंतु कोशिका में होती हैं, क्या क्या चीजें हैं जो पादप कोशिका में होती हैं, और ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो दोनों में मौजूद होती हैं। तो जो पादप होते हैं उनमें कोशिका भित्ति होती है। हमने आपको बताया था जो पादप होते हैं उनकी कोशिका में एक एक्स्ट्रा परत होती है,
जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। तो आखिरकार ये परत क्यों होता है, कभी आपने सोचा है, आपके मन में ये सवाल आया? देखिए, हम जो मानव है कपड़ा पहन के ठंड में अपने आप को बचा लेते हैं, ठंड से, बारिश होती है तो छाता लेके, या फिर घर में रह के अपने आप को बचा लेते हैं, धूप में भी हम घर में रहते हैं। लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपने जगह में टिके रहते हैं, वो बारिश हो, धूप हो, आंधी आए, तूफान आए, अपने जगह से हिलडोल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए गॉड ने उन्हें एक एक्स्ट्रा परत दिया है जो उन्हें धूप से, पानी से, आंधी तूफान से बचाता है। और वो जो परत होता है, कोशिका भित्ति, वो सेलुलोज का बना होता है। और ये जो कपड़ा हमारा होता है वो सेलुलोज का ही बना होता है, जो कागज होता है वो भी सेलुलोज का ही बना होता है। तो इतना हमने जान लिया, कोशिका झिल्ली पादप में भी होता है और जंतु में भी होता है, कोशिका द्रव्य पादप में भी होता है और जंतु में भी होता है, और केंद्रक पादप में भी होता है और जंतु में भी होता है। उसके बाद से हमने पढ़ा था रिक्तिका। रिक्तिका जो जंतु कोशिका है उसमें छोटा होता है, कम पानी रखता है वो, हमारे शरीर में 65% पानी है तो जो कि रिक्तिका में होती है। लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं वो बड़ा होता है, तो उनमें जो रिक्तिका होती है उसमें ज्यादा पानी होता है। होता दोनों में है, रिक्तिका होता दोनों में है, लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी रिक्तिका में ज्यादा पानी होता है। उसके बाद से माइटोकांड्रिया और भी जितने अंग हैं दोनों में मौजूद होते हैं। माइटोकांड्रिया हो गया, जितने भी और चीज है वो कोशिका, जंतु कोशिका में होते हैं और पादप कोशिका में भी होते हैं। लेकिन जो कोशिका भित्ति है वो सिर्फ और सिर्फ पौधों में होता है, वो एक्स्ट्रा सुरक्षा कवच होता है। और हरित लवक, हरित लवक क्या होता है, पौधों में, पौधों के पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे हम लोग रंध्र कहते हैं, और उसी में हरित लवक भी होता है जो पौधों के पत्तियों को भोजन बनाने में मदद करता है, उसी को हम लोग हरित लवक कहते हैं। तो पौधा में पत्ती होता है, इस वजह से उसमें हरित लवक होता है। हरित लवक का दूसरा नाम है क्लोरोप्लास्ट। लेकिन जो जंतु होते हैं उसमें तो पत्ता होता ही नहीं है, इसका मतलब हरित लवक जंतु यानी कि हम इंसानों में और जानवरों में नहीं होता है। आगे हम एक चीज छूट गया था उसको भी आपको बता ही देते हैं। ये जो केंद्रक है इसमें केंद्रिका होती है, अगर आप उसको निकालेंगे, उसको निकाल के फाड़ेंगे तो उसके अंदर से एक जीन निकलेगा। क्या निकलेगा? जीन। वो भूतों वाला जीन नहीं, एक पदार्थ होता है जीन। जीन के वजह से ही एक संतान का दूसरे संतान में गुण मैच करता है। अब वो क्या क्या गुण होती हैं, जैसे अगर माँ बाप लंबे हैं तो उनके बच्चे भी लंबे होते हैं मैक्सिमम टाइम, ज्यादा सभी नहीं, ऐसा नहीं है कि सभी अगर माँ बाप लंबे हैं तो उनके बच्चे भी लंबे होते हैं। लेकिन जीन क्या करता है, अनुवांशिक गुण को, जो माँ बाप का गुण है वो बच्चों में लेके पहुंचाता है। ज्यादातर अगर माँ बाप गोरे हैं तो बच्चे भी गोरे होते हैं, माँ बाप हाइट में ज्यादा है तो बच्चे भी हाइट में लंबे होते हैं। जो माँ बाप का गुण होता है, अगर कोई बीमारी होता है तो वो भी बीमारी ज्यादातर बच्चों में फैलने की शंका रहती है, पॉसिबिलिटी रहती है। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ हर एक बच्चे को हो सके, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आई थिंक आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों, आपके मन में सवाल होगा कि आखिरकार हम कोशिका को देखें कैसे? तो कोशिका को देखने के लिए आपके पास एक चीज का होना जरूरी है जो कि है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से आप कोशिका को आसानी से देख सकते हैं। मान के चलिए आपको प्याज में मौजूद कोशिका को देखना है तो आप कैसे देखेंगे? उसमें बहुत सारे अंग होते हैं, कोशिका द्रव्य केंद्रक, उन सारे अंग को आप देखना चाहते हैं तो कैसे देखेंगे? तो सबसे पहले आप माइक्रोस्कोप ले आएंगे, और एक चीज अगर आप जब देखेंगे तो वो साफ साफ नहीं दिखाई देगा। जब माइक्रोस्कोप से आप देखेंगे किसी भी प्याज के झिल्ली में केंद्रक को देखना चाहेंगे तो देख तो सकते हैं, लेकिन अगर आपको आपको और साफ साफ देखना है तो उसके लिए एक रसायन का इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम लोग अभिरंजक कहते हैं। तो तरह तरह का अभिरंजक होता है, आयोडीन का घोल भी होता है, सेफ्रनिन भी होता है, और भी तरह तरह के अभिरंजक होते हैं। अभिरंजक क्या होते हैं, रासायनिक होते हैं, केमिकल्स होते हैं, जो अगर हम किसी चीज में मौजूद कोशिका को देखना चाहते हैं तो उसमें हम 2 बूंद 4 बूंद डाल देते हैं तो उसके अंदर का जो जितना भी पार्ट्स है
वो चाहे हो जाए केंद्रक कोशिका द्रव, माइटोकांड्रिया, गोल्जी का है, उसको वो उभार देता है जिसके वजह से हम उसको आसानी से देख सकते हैं। तो केंद्रक को देखने के लिए आपके बोर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आखिरकार अगर हमको केंद्रक को देखना है तो कौन से अभिरंजक का इस्तेमाल किया जाए। तो केंद्रक को देखने के लिए हम जो अभिरंजक, जो रसायन का इस्तेमाल करते हैं, जो केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम है सेफ्रेनिन। और आपके बोर्ड में एक ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक संतान का दूसरे संतान में जो गुण पहुंचता है किसके वजह से, तो वो क्या है, जीन। क्या है, जीन। वो भूतों वाला जीन नहीं, एक पदार्थ होता है, किसमें होता है, केंद्रिका में। उसको जब फाड़ेंगे आप तो उसके अंदर से जीन निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का ये चैप्टर पूरी तरह से कोशिका खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो अगर आप सब कमेंट करेंगे तो आप सबके इच्छा के अनुसार वीडियो बनाया जाएगा, और आप सब कमेंट नहीं करेंगे तो हो सकता है मैं सीरियल बाय सीरियल चलूँ, या फिर ऐसा टॉपिक्स लेके आऊँ, ऐसा चैप्टर लेके आऊँ जो आपको ज़्यादा मजा आए पढ़ने में। अगर आपको किसी खास चैप्टर की ज़रूरत है तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिख दें ताकि मैं उस चैप्टर को पहले बनाऊँ। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।